नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया त्रस्त है और पूरी दुनिया में उद्योगों पर खासा असर पड़ा है। बात अगर भारत की कर ले तो भारत में कई ऐसे उद्योग हैं जिस पर खासा असर पड़ा है और इसमें एक उद्योग मधुमक्खी पालन का भी है। जी हाँ, मधुमक्खी पालन कृषि आधारित उद्योग है और इस पर इतनी मार पड़ी है कि मानो अब जो शहद है उसमें जहर घुल गया। जी हाँ, बात कोरोना वायरस के कारण मधुमक्खी पालन पर हुए असर की कर लेते हैं तो बात मुजफ्फरपुर की करेंगे, जहां पर मधुमक्खी पालन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहां से जो शहद जाता है वो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी अपनी मिठास की वजह से जाना जाता है। और बात अगर इस शहद के करें तो मधुमक्खी पालन के कारण जो यहाँ के किसान हैं उनको काफी फायदा होता था, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी बदल गई हैं। लॉकडाउन के कारण अब उनको नुकसान हो रहा है और वो जो हैं अब अपनी मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अब उनकी मदद करें। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण शहद की बिक्री पर न के बराबर बिक्री हो रही है, काफी बुरा असर पड़ा है। और इस दौरान मुजफ्फरपुर में रह रहे भारतीय मधुमक्खी पालन संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सैफुद्दीन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। मैं भारतीय मधुमक्खी पालक यूनियन अध्यक्ष मोहम्मद सरफुद्दीन, आज हम लोग को ये जो है कि लॉकडाउन के तहत बहुत दुखद बात है। ये कोरोना का जो वायरस फैला हुआ है इसमें काफ़ी हम लोग भी दुखी हैं, सशंकित भी हैं। और इस परिस्थिति में हम कहीं अगर मधुमक्खी के एपेरी लगाते हैं तो 2 महीना तक हम रख सकते हैं, उसके बाद पोलिनेशन के लिए हमको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब हम किसी तरह से इसको ले करके अगर जाते हैं तो जाने के बाद रास्ते में पुलिस जो है किसे घेर करके मारपीट भी कर देता है, उसके बाद कहता है कि पैसा दो तो जाने देंगे, नहीं तो बैक ले जाओ, आपस करता है। बहुत लोग को आपस करना पड़ गया है। कुछ लोग अगर पुलिस से बच बचाव के अगर चले भी जाते हैं तो उनको वहाँ के स्थानीय लोग जब उनको पुलिस को खबर करता है तो पुलिस आकर के उन्हें भी पीट पाट देता है। वहाँ के लोग कहता है कि कोरोना फैलाने आ गया, इससे निजात दिलाने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार में दोनों को से मैं आग्रह करता हूँ कि यथाशीघ्र हम लोगों को एक ऐसा जो है कि से व्यवस्था करे जहाँ कि मैं कहीं भी मधुमक्खियाँ लेकर के जाऊँ, हमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, मधुमक्खी पालक को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए अगर ऐसा व्यवस्था अगर बिहार सरकार करती है, भारत सरकार करती है, तो उनके लिए जो है कि इसे मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बीच जो बिचौलिया आते हैं, ये बिचौलिया हमारे साथ कौन सा खेल खेलते हैं, उनको लगता है कि जैसे कि ये फ्री में कहीं से ये टीन में या फिर ये बाल्टी में भर के रख लिया है, इसमें कोई लागत खर्च नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं और हमारा दाम औने पौने लगाते हैं। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि कम से कम हमारा जो है किसे व्यवस्था किया जाए, सुधार किया जाए, और इस सुधार के तहत हमारा जो बिक्री का व्यवस्था है इसके लिए जिस तरह से किसानों का धान गेहूं सरसों की खरीदारी और उसका समर्थन मूल्य तय किया जाता है, उस मूल्य के तहत उस समर्थन मूल्य के तहत हमारा शहद का भी समर्थन मूल्य तय किया जाए, जो मार्केट में 400 से लेकर के 700 रुपए किलो बिकने वाली शहद आज हमारे पास जो बिचौलिया आते हैं वो कहते हैं कि 70 रुपये दे दीजिए, 60 रुपये दे दीजिए, 75 रुपये दे दीजिए, हम कहाँ जाएं, किसके सामने रोए, किसके सामने गिर गिराए, कौन मेरा बात सुनेगा, हमको समझ में नहीं आता है। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेश में जाने पर क्या परेशानी? लॉकडाउन में हमारे जो है किसे जो भी पालक हैं इनको यहाँ से झारखंड जाना था, झारखंड जाने के लिए ये काफ़ी जो है कि से कोशिश करते हैं लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। गाड़ी लेकर के जाते हैं, जब हम किसी तरह से अगर चले भी गए तो जिस एरिया में हम रखते हैं वहाँ लोग कहता है कि कोरोना फैलाने आ गया। तो मैं बिहार सरकार से इस बात के लिए मैं अनुरोध करता हूँ कि बिहार के तमाम मधुमक्खी पालक अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए एकदम तत्पर तैयार है, 24 घंटा तैयार है, वो कोरोना टेस्ट करा लेंगे। और हम लोगों को स्थानीय थाना, जिस थाना में हम मधुमक्खियां रखते हैं, अपेरी जहां लगाते हैं हम, वहां जो है कि से वो थाना द्वारा हम लोगों का जो है कि से सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि गांव घर के लोग हमारे बीच बोलते हैं कि पानी नहीं भरने देंगे,
दुकान में दवा नहीं लेने देंगे तो उस समय हमारी मधुमक्खियां मर जाएगी, चीनी हमें नहीं मिल पा रहा है। अब चूंकि चीनी खिलाने का नौबत जब आ गया मधुमक्खी को, तो दुकान वाले बोलते हैं कि भैया तुम कहाँ से आए हो, जबकि सर्वविदित है कि हम सब बिहार के लोग हैं, झारखंड में जाते हैं या बिहार के अदर जिला में जाते हैं। जैसे आपको बता देते हैं कि पूर्णिया में हम लोग लगाते हैं मधुमक्खियाँ, वहाँ भी जो है किसे परेशानी हो रही है, वहाँ के लोग भी परेशान कर रहे हैं। वो किसी तरह से अगर हम लोग एपेरिल लगा भी देते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग खबर करता है थाना को, थाना वाले आकर के हमारे लोगों को पीट देता है, ये कहाँ का अन्याय है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सरफुद्दीन, बिहार मधुमक्खी भारतीय मधुमक्खी पालक यूनियन अध्यक्ष। तो आपने सुना कि भारतीय मधुमक्खी पालन संघ के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण बहुत बड़ा असर पड़ा है मधुमक्खी पालन पर और किसानों की आमदनी बेहद कम हो गई है और जीवन बसर करने के लिए भी अब सरकार से मदद की वो आह जोट रहे हैं, आस देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो लीची के जो शहर मुजफ्फरपुर है वहां पर मधुमक्खी पालन भी बड़े स्तर पर होता है और यहां से निकलने वाला शहद पूरे दुनिया भर में जाना जाता है अपनी मिठास के कारण। लेकिन अब इस मिठास के जहर घोल दिया है इस कोरोना ने और इस पर जो किसान हैं वो काफी चिंतित हैं और किसानों की चिंता ये है कि उनके शहद की बिक्री नहीं हो पा रही है तो आखिर उनका घर कैसे चलेगा। जरा किसानों का दर्द भी सुन लीजिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। जाते थे और यातायात सब बंद हो गया, मक्खी कुछ मिल नहीं रहा है, दिन पर दिन बरसात गिरते जा रहा है, इसे मक्खी पूरा तबाही हो रहा है, न इसे पुलन मिल रहा है न रस मिल रहा है। और दूसरी बात है कि हम लोग जो भी मधु बेचे हैं उधार पर बेचे हैं, 10 दिन 20 दिन महीना दिन कि 6 महीना के बाद पैसा मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और मक्खी के इधर से उधर ले जाना है इसमें कठिनाई हो रहा है और समस्या है कि मधुमक्खी जो है कि दिन पर दिन वो मरते जा रहा है, इससे हम लोग को पालक माने मधुमक्खी पालन जितना है सबको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कब से सीजन शुरू होती है? ये तो माने एक 20 मार्च से लेके और ये अंतिम 5 अप्रैल तक ही रहता है लीची का सीजन। उसके बाद हम लोग माने 10 अप्रैल के बाद हम लोग झारखंड चले जाते हैं, इससे यही सब हाल है। तो इसमें अभी तो कुछ हो नहीं हो पा रहा होगा? अभी तो हम लोग चीनी खिला रहे हैं, कर्ज पैसा लेके चीनी खिला रहे हैं और क्या करें इसमें। हाँ, और रास्ता में भी तो जहाँ पुलिस माने रंगदारी लेते हैं, कभी 5,000 मांगते हैं, कभी 2,000 मांगते हैं, कभी 1,000 मांगते हैं, हम लोग को देना पड़ता है, नहीं देने के बाद पीटता है। किस तरह बिजनेस चल रही है अभी? बिजनेस तो खैर इतना बिजनेस हमारे हम लोग का तो 2-4-5 साल से माइनस में जा रहा है, बाकी तब पर भी हम लोग कर्ज ले लेके काम कर रहे हैं। लॉकडाउन से बहुत प्रभाव हुआ है? लॉकडाउन तो हम लोग का ले मारा, और यही समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ लाल बाबू कुमार टर्मा। हम लोग अभी बिहार से मुजफ्फरपुर से बक्सा को ले जाना था झारखंड, करंज का शहद निकालने के लिए। यहाँ मक्खी का पोलन भी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए फीड भी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, मधुमक्खी यहाँ मर रही है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशानी है। बारिश कितना प्रभाव डाला? बारिश भी काफ़ी प्रभाव डाली है। ये कब तक ये सीजन रहती है? ये सीजन 1 महीने का रहती है लीची का, जो है अच्छा। सीजन यहाँ ख़त्म हो चुका है, मधुमक्खियाँ मर रही है, काफ़ी संख्या में मर रही है। अगर ऐसा स्थिति 8-10 रोज और रह गया तो मधुमक्खी पालक को काफ़ी नुकसान होगा। क्या अनुमान लग रहा है ये स्थिति इस तरह रहेगी या फिर बदलेगी? अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं जे कि इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए, हम लोगों के धंधा को सुचारू रूप चलाने के लिए लॉकडाउन होते हुए भी हम लोगों को कुछ ऐसा उपाय किया जाए जे कि हम लोग जो है इस मधुमक्खी पेटी को जो है झारखंड ले जाएं, कोई लोग समस्तीपुर ले जाना चाहते हैं, कोई लोग मोतिहारी ले जाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमन प्रसाद। क्या हैं आप? कुशवाहा। तो आपने सुना इन किसानों को, इन किसानों का ये कहना है कि पहले बिचवलियों से हम परेशान थे, फिर सूदखोरों से परेशान, और अब लॉकडाउन और उसके बाद से अगर बात करें तो बेमौसम बरसात से भी किसान परेशान हैं और अपनी मदद की अब आस लगाए वो बैठे हुए हैं कि सरकार उनको कोई मदद करे। हालांकि देखना अब ये होगा कि इन किसानों की इस गुहार को सरकार कब तक सुनती है, उन तक मदद कब तक पहुंचाई जाती है।
हालांकि कृषि विभाग लगातार ये कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार करेगी और पिछले कई दिनों से जो खेतों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की भी गई है, लेकिन अब देखना है कि मधुमक्खी पालन कर रहे इन किसानों की कब तक मदद की जाती है। इस खबर में इतना ही। आपको अगर ये खबर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार लॉकडाउन के कारण अगर आप घरों में हैं तो घरों में ही रहें, ये हमारी अपील है, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।